तुम तो हमेशा मुझ पर यही इल्जाम लगाती थी कि मैं तुम्हारे दुपट्टे फाड़ता रहता हूँ। हाँ तो क्या हुआ, ऐसे तो मैं तुम्हें कड़वा करेला भी कहती थी, बजर बट्टू भी कहती थी। तो मुझे एक कड़वा करेला क्यों बुलाती थी, अभी सच में कड़वा हूँ क्या मैं? अरे बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता है क्या लड़कियों की लव लैंग्वेज होती है ये? Really? हाँ, अगर कोई लड़की किसी लड़के से कहे ना कि मुझसे बात मत करना, बिल्कुल बात मत करना, तो उसका मतलब पता है क्या होता है? अरे बाबा कुछ भी करना लेकिन बात करनी बंद मत करना, और एक दो घंटे तक तो मनाना, उसके बाद वो खुद ब खुद तुमसे बात कर लेगी। और अगर कोई लड़की लड़के से कहे आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तो इसका मतलब कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं लफ्जों में बता नहीं सकती। और इतना ही नहीं, अगर कोई लड़की किसी लड़के को निकनेम देती है जैसे कि कड़वा करेला, तो इसका मतलब ये होता है कि वो उस लड़के को पसंद करने लगे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। तो ये होती है लड़कियों की लव लैंग्वेज जो तुम लड़के कभी नहीं समझ सकते। तुम इतनी कंफ्यूज, लड़की इतनी कंफ्यूज क्यों होती है? तुमने शायद नाम भी मेरा ऐसे ही सेव किया था ना? जी हाँ, मैंने तुम्हारा नाम कड़वे करेले से ही सेव किया हुआ था, लेकिन फिर जब मुझे रियलाइज हो गया कि यू नो तुम इतने भी कड़वे नहीं हो, तो एक दिन मुझे तुम पे प्यार आया और मैंने करेले से तुम्हारा नाम करण रख दिया। अब मुझे उसे वापस करेला कर देना चाहिए। No ways. तुम्हें इनफैक्ट पता है मैंने भी तुम्हारा नाम एज कड़वी करेली सेव किया था पहले। Really? लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो और मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी हैं, तो फिर मैंने भी तुम्हारा नाम चेंज कर दिया, टोपिता। इसका मतलब तुम लड़कों की भी लव लैंग्वेज होती है? हाँ, and that's a secret. वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बस मेरी समझ जाओ, that's all. अच्छा चलो, बहुत बातें हो गई, मुझे ना बहुत जोर से भूख लग रही है, तो मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर डिनर करने चलते हैं। You know what? मुझे भी ना बहुत जोर से भूख लग रही है। What? Yeah. हाँ क्या? क्या? अरे मुझे भी तो भूख लगी है। You? मुझे भूख लगी? So cheesy, Karan, come on. महेशी? महेशी किसी से कोई बात हुई क्या? नहीं राखी जी, ट्राई कर रहा हूँ लेकिन बात हो नहीं पा रही, नेटवर्क लग नहीं रहा। महेश मेरा मन बहुत घबरा रहा है पुत्र, सब ठीक होगा ना? अरे माँ चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा। देखो भगवान है, जो होना होगा वो होके रहेगा, उसे को बदल नहीं सकता। जब भगवान ने हमारे करण को हमारे पास वापस भेजा है ना माँ, तो घबराओ मत, कुछ नहीं होगा हमारे करण को। महेशी हम कैसे ना घबराए, मेरे मन में तो बहुत बुरे विचार आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मेरे बच्चों के साथ कुछ कुछ बहुत गलत होने वाला है। आप जानते हैं ना, इतने सालों बाद मुझे मेरा बेटा मिला है, अब अगर दोबारा उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारे करण को कुछ नहीं होगा। करीना दी, फोन लगा क्या? नहीं भाभी, फोन नहीं लग रहा। मुझे लगा मेरी फ्रेंड साशा मनाली में रहती है, उसे कहूंगी कि करण और प्रीता को जाके चेक कर ले कि वो ठीक है कि नहीं, पर उसका भी फोन नहीं लग रहा। शायद वो उसी एरिया में रहती होगी और नेटवर्क्स डाउन है। भाभी सारी गलती मेरी है, करण और प्रीता की शादी हुई तो मैंने सोचा कि दोनों बच्चे इतने सालों तक अलग रहे तो उन्हें साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए, और ये बात मैंने मम्मी जी से कही। मम्मी जी ने मेरे कहने पे
शायद सोचा होगा कि उनके लिए कुछ हनीमून प्लान कर ले। ना मैं मम्मी से कुछ कहती और ना मम्मी जी ये प्लान बनाती। सारी की सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बस पुत्र, फालतू बातें मत कर। हम दोनों ने प्लान बनाया था ना, तू माँ है मैं दादी है, क्या हम बच्चों के लिए बुरा सोचेंगे? नहीं ना, क्या हमने जानबूझ के उनको वहाँ भेजा? हमें पता था वो होने वाला है, नहीं पता था ना हमें? क्यों बोली जा रही है मेरी गलती है, मेरी गलती है? याद रखना, इस दुनिया में ना भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता पुत्र, ये दुनिया वही चलाता है। और मुझे पता है कि मेरा भगवान कुछ गलत नहीं करेगा, मेरे बच्चे ठीक होंगे, सब ठीक होंगे। I'm sorry भाभी जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए न जाने मैं क्या कुछ बोल रही हूँ। हौसला रख पुत्र, हौसला रख, सब ठीक होगा। आप दोनों प्लीज चुप हो जाइए। वो कहते हैं ना, लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पता नहीं होता कि क्या करे कहाँ जाए, उस वक्त सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए। भगवान जो भी करता है बिल्कुल सही करता है, हम सबके अच्छे के लिए करता है। और आप दोनों ना नेगेटिव बातें बंद कर दीजिए, पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव होगा। ओके वाओ नाइस। कितनी खूबसूरत जगह है ना। ब्यूटीफुल। आई लव द लाइटिंग। दादी की चॉइस अच्छी है। Your best friend. अरे हेलो। Your best friend. आप यहाँ आओ ना। इन्हें इतना प्यार है हमसे कि इन्हें की रूम में शिफ्ट हो जाते हैं अभी। तुम ये समझ लो हम हनीमून पे दो लोग नहीं चार लोग। इतना प्यार है इन्हें हमसे। Yeah sure. Please. Hi hi. Hi. अब आप कह सकती हैं कि आपने मुझे पहले कहीं देखा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। अरे ये जूस ट्राई कीजिए ना, ये एप्पल का जूस है, बड़े मजे का टेस्ट है। और पता है इसमें कमाल की बात क्या है, यहाँ का वेटर कह रहा था कि ये इस रिजॉर्ट में एप्पल का गार्डन है और वहाँ से फ्रेश फ्रेश जूस आया है, बहुत टेस्टी है। करो करो आप टेस्ट करो। ठीक है हम पक्का ट्राई करेंगे, आप ये लीजिए हम फ्रेश ऑर्डर करते हैं। नहीं नहीं जी आप क्यों ऑर्डर करेंगे, मैं मंगाती हूँ ना। वेटर नहीं नहीं खाते हम खाते। दो ग्लास। एक मिनट आ जाए, उसने सुन लिया है, वो अभी उस टेबल को अटेंड कराना, उसके बाद आ जाएगा। अरे नहीं जी कैसी बात कर रही है, वो लेके आएगा। वेटर इसमें का दो जूस लाना जल्दी थोड़ा। ला रहा है जी ला रहा है, बहुत मजा आएगा इसको जूस पी के। वो देखो वो रही प्रीता, अब यकीन हो गया। हाँ यार ये तो प्रीता ही है, मतलब तुम सही थी। और प्रीता के साथ उस लड़के को देख रहे हो, वो कोई और नहीं बल्कि करण लूथरा है। करण लूथरा, लेकिन उसका चेहरा तो। आई नो चेहरा अलग है, मुझे लगता है हमने जब उसे नदी पे धक्का दे दिया था तब उसका चेहरा खराब हो गया था और उसने शायद प्लास्टिक सर्जरी कर ली, इसीलिए तो इतने सालों से किसी को पता नहीं चला कि करण लूथरा जिंदा है। आफ्टर ऑल इतना फेमस क्रिकेटर अगर उसी शक्ल के साथ जिंदा होता तो किसी को तो भनक लगती ना। अच्छा यू आर सो स्मार्ट। आई नो राइट। पता है मेरा माइंड चेंज हो गया यार। मतलब देखो ना अब हम उसको नहीं मारते, मुझे लगता है भगवान भी उसके साथ है। कितनी अच्छी किस्मत है उसकी, मौत के मुंह चकमा दे के आया हो। वैसे भी हमें उसको मारते कोई फायदा नहीं है, चलो जाने देते हैं अब, हम इस होटल को छोड़ते हैं कहीं और चलते हैं। एक्सक्यूज मी आप दोनों यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।